हाय सर, सर सबसे पहले हमें ये बताइए जो प्रोवोक्ड आपकी फिल्म आने वाली है वो बाकी फिल्मों से किस तरीके से अलग है? देखिए, प्रोवोक्ड एक सच्ची कहानी पर आधारित है। वो कहानी जिसने इंग्लैंड में कानून को बदल दिया। आज किरण जीत आहलूवालिया जिनकी कहानी है, ये डोमेस्टिक वायलेंस के इशू को लेकर के कोई फिल्म अभी तक इंडिया नहीं बनी है, और इसलिए वह फ़र्क है। इसलिए इसके रिपरकशंस, द फैक्ट कि इसके कारण आज इंग्लैंड में कानून बदला, इसके कारण के एक ऐसी औरत की कहानी जिसने 10 साल तक ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ सहा इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़, इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल अब्यूज़, और फाइनली शी स्नैप एंड उसने फिर अपने दो बच्चे भी थे उसके, फिर भी एक रात को जब पति ने उसको बहुत मारा पीटा और बहुत गालियाँ दी, जब वो सो गया तो उसने उसके बिस्तर पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी, और जब उसकी डेथ हो गई तो फिर उसको लाइफ सेंटेंस हुआ उस औरत को। और जब उसको लाइफ सेंटेंस हुआ और उससे पूछा गया कि कैसा उसको महसूस हो रहा है, तो उसने कहा आई फील फ्री। एंड दैट वाज समथिंग विच वाज अमेजिंग टू मी कि एक ऐसी कहानी एक ऐसी औरत की जो कि जिससे जेल में जा कर के स्वाधीनता का एहसास हो, तो वो बहुत उसकी असली ज़िंदगी कैसी रही होगी, कैसी जेल रही होगी उसकी खुद की मैरिज की ज़िंदगी। पर ये फिल्म सिर्फ उसके बारे में नहीं है, इस फिल्म में असली चीज़ें और भी जो खास जो मुझे एक्साइट किया जिस सब्जेक्ट में, इज़ नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ लव एंड बिट्रेयल, इज़ ऑल्सो कि आगे इसमें जब वो जेल में जाती है तो किस तरह, जब जो फीमेल बॉन्डिंग की कहानी है, जैसे जेल के जो और इनमेट्स हैं, ये इस औरत को इतना दबा के रखा गया था कि इसने कभी किसी से इसका परिचय नहीं था। हालांकि इंग्लैंड में रहती थी, पंजाब के गांव से गई थी, वहाँ पे साउथ हॉल में रहती थी, मगर वो किसी को जानती नहीं थी अपने इमीडिएट सर्कल के सिवा। और यहाँ पर किस तरह एक गोरी वाइट वुमन, ओल्डर वुमन, टुक हर अंडर हर विंग्स एंड कैसे उसको ग्रो किया उसने, कैसे उसकी एक मेंटोरशिप की, और कैसे वो आगे जाके बड़ी एक कॉन्फिडेंट, इंग्लिश सीखा उसने, कॉन्फिडेंट औरत बनी। ये दूसरा हिस्सा है कहानी का जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा जो कहानी का बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक छोटा सा ग्रुप था साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स, जो आइडियलिस्ट आदर्शवादी सोशल वर्कर्स थे, पैसे भी नहीं थे उनके पास इनफ, अपने ऑफिस के पैसे किराए के देने के नहीं थे। वो उन लोगों ने इस औरत का कि एक इंडियन औरत है जिसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, तो उन्होंने उसके केस को लेकर के फंड रेजिंग की, रैलीज की है, ये मुद्दा उठाया ये कि ये औरत को जेल नहीं होनी चाहिए थी, या इस औरत को जो फर्स्ट डिग्री मर्डर जिस चार्ज में उसको लाइफ सेंटेंस हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। और फाइनली वो उन्होंने उसको वो अपील किया, और एक बहुत बड़े लॉयर ने उस अपील में प्रो बोनो मतलब फ्री काम किया और आर्ग्यूमेंट दिए, और उस आर्ग्यूमेंट के कारण इंग्लैंड में ये रजीना वर्सेस आहलूवालिया जो केस है, ये एक लैंडमार्क डिसीजन था कि प्रोवोकेशन का जो लॉ था उसमें बदलाव आया कि एक औरत जिसको 10 साल जितने सालों की डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़ रहा हो, वो उसके लिए ये जो टाइम पीरियड होता है कि आज एक मर्डर और मैन स्लॉटर जो दो चीज़ें होती हैं उनमें जो फ़र्क सिर्फ इस बात से होता है कि मैन स्लॉटर उसको कहा जाता है जबकि आप झगड़ा हुआ आपस में और बिना सोचे समझे इन द हीट ऑफ द मोमेंट आपने किसी दूसरे इंसान को मार दिया, तो उसको मर्डर नहीं कहते, उसको मैन स्लॉटर कहते हैं, और उसमें 7-8 साल की सज़ा होती है और 3-4 साल के बाद में बेल हो जाती है, जमानत छूट जाते हैं। और मर्डर हो तो अगर आपने उसी समय नहीं मारा, 2 घंटे बाद में सोच करके फिर उसके बाद में मारा, तो उसको प्री मेडिटेशन कहते हैं, इसलिए वो मर्डर हो जाता है, और मर्डर में आजीवन कारावास होता है। तो क्योंकि ये औरत पति के मारपीट खाने के बाद 2 घंटे तक चुप रही, पति जब सो गया तब उसने जा करके उसको जलाया, तो इसलिए उसको मर्डर का चार्ज हुआ था। बट जो केस में जो बदलाव आया वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि एक जो औरत जिसको इतने साल से मारपीट हो रही है, उसका जो बैटर्ड वुमन सिंड्रोम है वो ऐसा होता है कि उसके कारण वो जो 2 घंटे का टाइम पीरियड जिसको आप कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं कि शायद उसमें गुस्सा ठंडा हो जाए, वो कूलिंग ऑफ नहीं होता, वो ऐसी औरतों के लिए वो बॉइलिंग ओवर पीरियड होता है कि वो उबल जाती है, और फिर उसमें तो वो कोर्ट ने इस बात को माना, और इस बात को मानने के कारण उसका मर्डर चार्ज चेंज करके उसको मैनस्लॉटर कर दिया गया, और जो 3.5 साल वो जेल में रही थी उसको सज़ा की पूरी मियाद मान करके उन्होंने छोड़ दिया उसको। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, इससे कई और औरतों को जिनको प्रोवोकेशन, जिनको मर्डर चार्जेस में थी, उन सबको भी छोड़ दिया गया।